सभी दर्शकों को नमोनमः है। मित्रों, हम इससे पहले जो वीडियो पढ़े थे वो कक्षा 9 की जो शेमुशी पुस्तक है उसका दूसरा पाठ था, स्वर्ण काक है। इस पाठ का हमने उस वीडियो में हिंदी अर्थ पढ़ा था और जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उन शब्दार्थ को भी देखा था। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास को हल करने वाले हैं। जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आइए अभ्यास प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा द्वारा लिखिए, भाषा के माध्यम से आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी वह कैसी थी, किस प्रकार की थी? तो निर्धन जो बुढ़िया थी उसकी पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत्, यानी वह विनम्र थी और सुंदर थी। दूसरा प्रश्न है, बालिकया पूर्वं किं न दृष्टम् आसीत्। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था? बालिकया पूर्वं स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका ने पहले सोने का कौवा नहीं देखा था। देखिए यहाँ किम नपुंसकलिंग में है और दृष्टम भी नपुंसकलिंग में है, तो जो पूछा गया है उसी के अनुसार यहाँ पर विभक्ति प्रयुक्त हुई है और लिंग प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग में है, स्वर्ण काक है किम की जगह, तो यहाँ दृष्ट है, यहाँ चेंज करके हमें लिखना होगा। फिर दूसरा है, रुदंतीम बालिकाम काक कथम आश्वासयत। रोती हुई बालिका को कव्य ने कैसे आश्वासन दिया? तो कव्य ने कहा था कि सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहि पीपल वृक्षम अनु अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं सूर्योदय से पहले तुम पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना, वहाँ तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, इस प्रकार की बात उसने कही थी। तो उसने बोला था कि सूर्योदय से प्राग ग्रामात बही, सूर्योदय के पहले गांव से बाहर पीपल वृक्ष के पीछे अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों का मूल्य दे दूंगा। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका ने क्या देख करके आश्चर्यचकित हुई? बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हुई थी? तो प्रश्न का उत्तर है, बालिका स्वर्ण प्रासादम यानी सोने के महल को देख करके आश्चर्यचकित हुई थी। आगे है पांचवा है, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। बालिका किस सीढ़ी से, किस प्रकार की सीढ़ी से सोने के भवन पर चढ़ी थी? तो बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। बालिका सोने की सीढ़ियों से स्वर्ण भवन पर चढ़ी थी। आगे है, सा ताम्र स्थाल्याः चयनाय किम तर्कम ददाती। वह तांबे की थाली के चयन के लिए क्या तर्क देती है? सा तर्कम ददाती अहम निर्धन मातु पुत्री अस्मि। उसने बोला कि मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ। गर्भिता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नो। जो घमंडी बालिका थी उसने कैसे सीढ़ियाँ मांगी और उसने किस प्रकार की सीढ़ियों को प्राप्त किया? तो गर्वित जो घमंडी बालिका थी उसने सोने की सीढ़ियों को मांगा परंतु ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नो, तांबे की सीढ़ियों को उसने प्राप्त किया। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरे में क, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। पाठ में से विलोम शब्द लिखना है, जैसे पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है पीछे, तो इसमें आया है पूर्वम, पूर्वम शब्द आया है। इसके अलावा भी एक शब्द और आया है प्राक, प्राक आया था, ये जो शब्द है प्राक, ये भी यहाँ हम लिख सकते हैं पूर्वम के साथ में, तो दोनों में से कोई भी आप उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा है, हसितुम, हसितुम का विलोम शब्द हो जाएगा रोदितुम। फिर अधः, अधः का ऊपरी हो जाएगा। फिर
श्वेता है का कृष्ण है, सूर्यास्त है का हो जाएगा सूर्योदय है, सुप्त है का प्रबुद्ध है, सुप्त यानी सोया हुआ, प्रबुद्ध यानी जागा हुआ। फिर दूसरा दूसरा है खै, संधिम कुरु, संधि करिए। तो ये जो संधि है ये समझने के लिए हमें पहले के जो वीडियो मेरे बनाए हुए हैं संधि से संबंधित, उनको आपको देखना होगा। जैसे यण संधि का जो नियम है वो मैं एक बार बता देता हूँ। इक के स्थान पर यण होता है, अर्थात ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उसके स्थान पर ये करना है, उ छोटा हो चाहे बड़ा हो उसके स्थान पर वह करना है, री री इनके स्थान पर र और ल क्रमशः करना है, आगे असमान स्वर हो। तो इस नियम के अनुसार यण संधि को आपको करना है। फिर गुण संधि का है, जब ए आ के बाद में ई ई हो तो ए हो जाएगा, ए आ के बाद में उ उ हो तो ओ हो जाएगा, ए आ के बाद में री री हो तो अर, ए आ के बाद में ल्री हो तो अल। इस प्रकार से ये गुण संधि का नियम है। फिर वृद्धि संधि का नियम भी है, ए आ के बाद ए आई हो तो आई आदेश होगा, ए आ के बाद में ओ औ हो तो औ आदेश होगा। तो ये नियम है, इन नियमों की सहायता से इस प्रश्न को हम करेंगे। जैसे यहाँ नी प्लस अवसत है तो नी का अंतिम स्वर ई हो गया, जो ई की मात्रा है वो इसके न के बाद में ई, यहाँ ई माना जाएगा और अवसत का ए, ई की जगह पर ये आदेश कर दिया आधा ये, देखिए यण संधि यहाँ से ई की जगह पर हमें क्या करना है, ये आदेश करना है, शेष वैसा का वैसा हमें लिखना है। तो शेष देख लीजिए क्या क्या है, तो नी में न शेष रहेगा आधा न, ई की जगह पर ये कर दिया, ये आधा होगा, हलंत ये का प्रयोग किया गया है। देखिए नियम फिर देख लीजिए एक बार, आधा ये का प्रयोग यहाँ करना है। जब हम आधा ये का प्रयोग कर लेते हैं तो आगे वाला जो स्वर है वह आधे ये में मिल जाएगा, तो ये पूरा हो गया तो ने हो गया, फिर बच गया वसत, तो वसत ऐसा लिख दिया ने वसत। तो ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि को विस्तार से देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जो वीडियो बना रखे हैं प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से सूर्य है, सूर्य प्लस उदय है, यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है, यानी सूर्य के अंदर जो ये है उस ये में अ है और आगे का उ, अ और उ मिलकर के ओ आदेश हो गया तो सूर्यो बन गया, फिर बच गया दया है, दया को ऐसा कैसा लिख दिया सूर्यो दया है। देखिए एक बार फिर से इसका उदाहरण भी दिया हुआ होगा शायद इसमें, देखिए हाँ ये रहा सूर्य प्लस उदय है, सूर्य में जो ये है इसमें से ए निकाल लिया और उ उदय का ले लिया, तो ए और उ के स्थान पर ओ आदेश हो गया, सूर्य प्लस ओ प्लस दया, ये स्थिति बन गई। जब ये में ओ को मिलाया तो सूर्यो बन गया और दया को इसके साथ में जोड़ करके लिख दिया सूर्योदय, ये रूप बन गया। चलिए फिर अगला उदाहरण देखते हैं, वृक्षस्य ऊपरी, तो वृक्षस्य प्लस ऊपरी, यहाँ पर भी वही गुण संधि हो रही है, इसमें से ये में जो ए है और आगे का उ दोनों मिलकर के ओ आदेश हो गया वृक्षस्यो परी। इस प्रकार से ही प्लस अकार्यत, तो हे कार्यत, यहाँ संधि हो जाएगी यण संधि, क्योंकि ई है इधर आगे ए है, ई की जगह पर ये करना है आधा ये, फिर से देख लीजिए यण संधि एक बार, ई की जगह पर यह आदेश करना है। आइए फिर च प्लस एकाकिनी, च में अ है और एकाकिनी का ए है, तो देखिए कौन सी संधि का नियम लग रहा है, यहाँ वृद्धि संधि यानी अ के बाद में ए है, तो यहाँ इन दोनों की जगह पर आई आदेश करना है, तो कर देते हैं। च में जो अ है और ए, ए और एक का जगह आई कर दिया, तो आई की मात्रा च में लग जाएगी, च हलंत हो जाएगा, तो चई प्लस काकिनी, ऐसा कैसा लिख करके यहाँ वृद्धि संधि को हम समझते हुए इस उदाहरण को हल कर देते हैं।
इति प्लस उक्तवा इसका यण संधि का नियम लग करके इति उक्तवा, प्रति प्लस अवदत यहाँ पर भी यण संधि का नियम लग करके प्रत्यवदत, प्र प्लस उक्तम यहाँ पर गुण संधि लग करके प्रोक्तम रूप बना, प्र में ए और उ प्रो बन गया, फिर कतम ऐसा कैसा लिख दिया। अत्र प्लस एव अत्रेव, तत्र प्लस उपस्थिता यहाँ तत्रोपस्थिता, यहाँ पर अत्रेव में वृद्धि संधि तत्रोपस्थिता में गुण संधि है, फिर यथा प्लस इच्छम यथेच्छम यहाँ भी गुण संधि ही है। अगला उदाहरण देख लीजिए, प्रश्न स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करूँ, प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्न बनाने का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को फॉलो कर लीजिए। प्रश्नवाचक शब्द और किम शब्द रूप का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होता है, जो अंडरलाइन अथवा जो बोल्ड लेटर में जो शब्द होते हैं उनकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हमें करना है। तो जैसे यहाँ ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, निर्धना स्त्री की जगह हमें क्या करना है, का लिखना है, पुल्लिंग का किम शब्द स्त्रीलिंग में किम शब्द का एक वचन बनता है का प्रथमा में, तो का कर देना है। स्वर्ण का कम तो कम कर देना है। सूर्योदयात कस्मात पंचमी विभक्ति किम शब्द का, निर्धन मातु कस्या किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन, स्वर्ण का कस्य किम शब्द का पुल्लिंग में कश्य बन जाएगा षष्ठी विभक्ति। इसी प्रकार से प्रकृति प्रत्यय संयोगम कृत, प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति होती है धातु रूप और प्रत्यय उसका जो प्रत्यय होता है उसको मिला करके जो शब्द बनता है वो हमें लिखना होता है। तो यहाँ हस प्लस क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करना है, तो हर्षत यहाँ रूप बनता है, तो पाठ में से लिखना भी एक विकल्प दिया हुआ है, तो पाठ में हसंतम शब्द आया हुआ है, हसन शब्द भी आया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ लिख सकते हैं। देख लीजिए एक बार क्षत्रिप्रत्यय, क्षत्रिप्रत्यय में क्या होता है, धातु होती है और क्षत्रि को जोड़ते पुल्लिंग में इसमें बन जाएगा पठन, पुल्लिंग में रूप बन जाएगा इसका पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत। इसी प्रकार से इसके रूप जो चलेंगे वो भगवत शब्द की तरह से आपके इस पाठ के अंत में जो योग्यता विस्तार है उसमें भी इसका रूप दिया हुआ है कि पुल्लिंग में जो गच्छत गच्छन शब्द है उसके इस तरह से चलेगा, गच्छत से गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः इस तरह से, पठन पठन्तौ पठन्तः इस तरह से यहाँ आपको रूप बनाने होते हैं। तो आइए फिर से यहाँ चलते हैं, हस से क्षत्रि बनाए तो हसन या हसत हम लिख सकते हैं, भक्ष धातु से क्षत्रि जुड़ा तो भक्षयत या भक्षयन, विलोक्री प्लस लेप विलोक्य हो जाएगा, नी लेप प्रत्यय से निक्षिप लेप निक्षिप्य, आगम लेप आगत्य, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा, शी प्लस कत्वा शयित्वा, वृद्ध प्लस टाप वृद्धा, सुत प्लस टाप सुता, लघु प्लस तमप लघुत्तम, इस तरह से पाठ में से इन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को हमें यहाँ चुन करके लिखना होता है। अगला है प्रकृति प्रत्यय विभागम क्रोत, यानी जो शब्द दिए हुए हैं उसमें धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। हसंतम में हस धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, रोदितुम में रुद्ध धातु है रोने के अर्थ में, और तुमुन प्रत्यय है क्योंकि तुम शेष रह रहा है, वृद्धा में वृद्ध धातु ये शब्द है और टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, भक्षयन भक्ष धातु है क्षत्रि प्रत्यय, दृष्टवा में दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, विलोक में विउपसर्ग लोक्री प्लस लेप, निक्षिप्य में निक्षिप लेप, आगत्य में आगम लेप है, फिर देखो ये नी आ और वी जो है वो उपसर्ग है, शयित्वा शी और प्लस कत्वा सुता सुत प्लस टाप, लघुत्तमम लघु प्लस तमम, तम प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में चलता है, तो यहाँ नपुंसकलिंग में है।
फिर अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम से कथियति, यानी इन कथनों को कौन किसे कह रहा है वह बताना है। जैसे पूर्वम प्रातराशः क्रियतां, पहले नाश्ता कर लो, ये कौवे ने बालिका को कहा था, तो यहाँ बालिका लिख देंगे, कौवा यहाँ लिख देंगे। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के प्रकाश में धूप में चावलों को पक्षियों से बचाओ, तो ये माँ ने कहा था पुत्री को। फिर तंडुलान माँ बक्षे, चावलों को मत खाओ, ये बालिका ने कहा था कव्य को। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, तो ये बात कव्य ने कही थी। काक है किसको कही थी, बालिकाम बालिका को कहा था। वो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच, हे नीच कव्य मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। तो ये जो दूसरी बालिका थी, घमंडी बालिका थी, गर्वित बालिका, गर्विता बालिका यहाँ आप लिख देंगे, और काकम यहाँ आ जाएगा। सातवां प्रश्न है, उदाहरण अनुसृत्य कोष्टकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। पंचमी विभक्ति का प्रयोग जो कोष्टक में दिए हुए शब्द है उनमें करना है। तो यहाँ जन है बहि आगच्छति, ग्राम शब्द में ग्रामात हो जाएगा। नद्ये निस्सरन्ति, नदियाँ निकलती हैं। पर्वत शब्द में पर्वतात हो जाएगा। पत्राणि पतन्ति, पत्ते पड़ते हैं, गिरते हैं, तो वृक्षात करना है। बालक बिबेति, बालक डरता है शिंगात, शेर से। ईश्वर त्रायते, ईश्वर रक्षा करता है क्लेशात, क्लेश से। प्रभु क्लेश यानी होता है कष्ट से, दुख से। प्रभु भक्तम निवारयति, पापात, पाप से भक्त को बचाता है, दूर करता है। इस प्रकार से ये प्रश्न हुए पूरे। अब इसमें योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में यहाँ पर जो लेखक है पद्मशास्त्री जी, उन्होंने कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त की थी उसका वर्णन है, और उन्होंने जो रचनाएँ लिखी है उन रचनाओं का भी वर्णन है, परिचय दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। फिर देखिए भाषिक विस्तार, किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो प्रत्यय अभी हमने पढ़े थे यहाँ पर उनका विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। जैसे पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो पठ प्लस कत्वा, पठित्वा शब्द बना, और इसका अर्थ हो गया पढ़कर। गत्वा का अर्थ हो गया जाकर, गम धातु से कत्वा। खादित्वा का हो गया खाकर, यानी कर या करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। इसी अर्थ में अगर धातु से पहले उपसर्ग होता है तो लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब यही अर्थ हो और जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाता है तो लेप प्रत्यय वहां माना जाता है। तो जैसे उप उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है, तो उपगम में यानी पास जाकर, वही कर या करके अर्थ हो रहा है, लेकिन उपसर्ग होने के कारण से यहाँ लेप प्रत्यय है। सम प्लस पूज प्लस लेप, संपूज्य वी लोकरी प्लस लेप, यहाँ विलोके आदा लेप आदाय। फिर आगे है प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चय वाचक बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय के पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय होते हैं। जैसे कह का अर्थ हो गया कौन, तो कह के साथ में चन जोड़ दिया तो कश्चन यानी कोई, के साथ केचन कोई बहुवचन में, का स्त्रीलिंग में है काचन कोई स्त्री, काहा प्लस चन बहुवचन में काश्चन। इसी प्रकार से चित भी जोड़ सकते कश्चित केचित काचित काश्चित, इस प्रकार से। किम शब्द के सभी लिंगों वचनों और विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है और उसे अनिश्चय वाचक बनाया जा सकता है। जैसे किंचित, किम शब्द नपुंसकलिंग में है और चित जोड़ दिया प्रथमा में, केन चित तृतीय हो गया, केसाम चित केसाम प्लस चित हो गया, फिर कस्मिंश्चित सप्तमी में, कस्यांश्चित सप्तमी स्त्रीलिंग में।
इसी तरह से चित के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। चित और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो अव्यय हो जाते हैं, जैसे क्वचित, क्वचन, कदाचित, कदाचन। संस्कृत में 1 से 4 तक संख्यावाची पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग रूपों में होते हैं, पर 5 से उनका रूप सभी लिंगों में एक सा रहता है। यानी कहने का तात्पर्य है, तीसरे में ये कह रहा है कि संख्या जो है वो 1 से 4 तक लिंग के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन 5 या 5 के बाद सभी लिंगों में समान रहती है। जैसे यहाँ पुल्लिंग में 1 से 4 तक के शब्द आएंगे, एक है, द्वौ, त्रय है, चत्वार है। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तीसर है, चतस्र है। नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। 4 तक अलग अलग है, बाकी सेम है। इसके बाद में वर्तमान कालिक क्रिया के अर्थ में धातु के साथ क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातु के साथ तथा शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं। यानी आत्मनेपदी जो धातु होती है उसके साथ में शानच का प्रयोग करना है और परस्मैक पद के साथ में क्षत्रिय का। जैसे खाद्य धातु के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय, तो खादन या खादत। खादन पुल्लिंग का रूप है और खादत आपका नपुंसकलिंग का। स्त्रीलिंग में खादंती बन जाएगा, जैसे यहाँ दिया हुआ गच्छंती की तरह से खादंती। ऐसे ही आत्मनेपद में जिनके रूप सेवते, सेवेते, सेवंते की तरह से चलते हैं, तो सेव, मुद, लब, ब्रू, इनका रूप ऐसे बनेगा। सेव माना है, मोद माना है, लभ माना है, ब्रुवाण है। इनमें क्षत्रिय प्रत्यय की जगह पर शानच प्रत्यय है। अर्थ दोनों का एक ही होता है, हुए, हुआ के अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं, वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं। इनके रूप इस प्रकार चलते हैं, जैसे पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, फिर गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः। इस तरह से स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्ते हैं, फिर नपुंसकलिंग में गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति। इस तरह से शेष पुल्लिंग के समान इनके रूप चलते हैं, यानी इनके समान पुल्लिंग वाले शब्दों के अनुसार चलेंगे। फिर देखो तरप और तमप प्रत्यय, बलवत् प्लस तरप बलवत्तर, लघु प्लस तमप लघुत्तम। यानी तुलनात्मक जब तुलना की जाती है तो तमप और तरप का प्रयोग करते हैं। जैसे लघु शब्द में तरप जोड़ा तो लघुत्तर बन गया और तमप जोड़ा तो लघुत्तम बन गया। महत के साथ में महत्तर तरप के कारण से बना और महत्तम तमप के कारण। इस प्रकार से इनके रूप प्रिय, प्रियतर, प्रियतम तक बन जाते हैं। तो ये आपका इस पाठ का पूरा अभ्यास से लेकर के योग्यता विस्तार तक का हमने विस्तृत अध्ययन किया है। आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई कसर रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अवगत जरूर कराएं। धन्यवाद।